वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आप सबको पता है कि ए सॉर्ट के अंदर एक कैंपेन चला है जिसमें मेवन 25,000 एपी से अपने रैंक को इन्फ्लुएंसर रैंक पर प्रमोट कर सकता है, और वहीं पर एस जो है अगर वो 30 इन्फ्लुएंसर इन 15 दिनों के अंदर क्रिएट करता है अपनी पर्सनल ग्रुप के अंदर तो उसे दुबई का ट्रिप मिलेगा। और इसी तरीके से एबीओ के लिए 90 इन्फ्लुएंसर का जो है उन्होंने गोल दिया है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ और ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जिससे अब प्री एसेस के लिए भी दुबई का द्वार जो है वो खुल चुका है। जी हाँ, अगर आप एक प्री एस रैंक पर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वैसे तो इसके बारे में आप लोगों को कल ही पता चल गया होगा, आज 10 फरवरी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर भी आपको एक बार इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जितने भी प्री एसेस हैं जिनका ऑलरेडी चैलेंज चल रहा है, अगर वो 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक 400,000 एसॉट पॉइंट्स करते हैं और 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 600,000 एसॉट पॉइंट्स करते हैं तो टोटल हो जाएंगे 1,000,000 एपी, तो उससे वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे दुबई ट्रिप के लिए जो पूरी तरह से स्पॉन्सर होगा एसॉट की तरफ से। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका रैंक इसमें एस नहीं होगा। एस रैंक के लिए जैसे आपको पता है 1,500,000 का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है, तो वही क्राइटेरिया है जो नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें आपको दुबई का जो ट्रिप है वो आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आप एस रैंक पर प्रमोट हो जाते हैं या फिर आपका थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो भी आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ सुनिए, जिन लोगों का चैलेंज चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग 16 फरवरी से अपने चैलेंज को शुरू करेंगे उन लोगों के लिए क्या है, 16 फरवरी 2021 से लेकर 28 फरवरी तक 800,000 एसॉट पॉइंट्स अगर हो जाते हैं तो 800,000 एसॉट पॉइंट्स होने पर दुबई टूर जो है उसके लिए वो प्री एसेस क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसमें भी उनका रैंक एस नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा दोनों कंडीशन में कि उनका जो चैलेंज है वो 1,500,000 में से वो चैलेंज जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब उनका चैलेंज नज़दीक पहुंच जाएगा, लेकिन जो ट्रिप है दुबई का वो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके अलावा तीसरी चीज़ सुनिए, मेवन के लिए जो भी लोग 25,000 एपी करते हैं, खुद शॉपिंग करते हैं 25,000 एपी करते हैं तो वहाँ पर उनका रैंक इन्फ्लुएंसर हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई मेवन 2 मेवन की क्लोजिंग करता है अपने डायरेक्ट में तो उनको एक मैजिकल पावर मिल जाएगी, और उस मैजिकल पावर से वो एक तीसरे इंसान को, किसी भी इंसान को अपने पर्सनल उसमें डायरेक्ट में वो बना देंगे, मेवन बना देंगे, इससे उनका रैंक जो है वो इन्फ्लुएंसर रैंक पर प्रमोट हो जाएगा। अब इसमें दो कंडीशंस आ गई, या तो वो खुद खरीदारी कर ले, राइट, या फिर वो आगे सेल्स कर दे, या तो शॉपिंग कर ले या सेल्स कर ले, इस तरीके से ये बेनिफिट ऐड की गई हैं। और ये जो मेवन वाला है जिसमें ये फ्री मैजिकल पावर मिलेगी, ये 15 फरवरी तक ही वैलिड है, राइट। सो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जो भी मुझे वाजिब क्वेश्चन लगे मैं उनके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।